Alright, so hi there, welcome back to my YouTube channel. और अगर आप नए हैं तो welcome to my YouTube channel. मेरा नाम तरंग है और मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा हूँ चैनल पे. उसमें से एक ये है कि मैं आपको पोलिश सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ हिंदी भाषा में. तो मैंने कुछ पुरानी वीडियोस बनाई है लेकिन उनमें साउंड का इशू है, तो देखते हैं आगे क्या होता है. शायद मैं उनको रिप्लेस करूँ, शायद ना करूँ, लेकिन सब कुछ देखा जाएगा. आज की जो वीडियो है ये है सबसे कॉमन शब्द जो आपको मालूम होना चाहिए किसी भी हालत में. अगर आप नए हैं पोलैंड में तो आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी है, और अगर आप काफ़ी समय से रह रहे हैं तो फिर ये सब शब्द आपको मालूम होंगे, लेकिन फिर भी एक रिफ्रेशर के हिसाब से ये वीडियो ज़रूर देखिएगा. तो आइए हम देख लेते हैं. सबसे पहले क्या है हमारे पास है चेस्ट, तो इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ च श च. ये जो आखिरी वाला च है ये आधा है, तो ये हो गया चेस्ट चेस्ट चेस्ट. इसका क्या मतलब हो गया? हेलो, नमस्ते, हेलो. लेकिन ये वाला हेलो होता है सिर्फ बच्चों के लिए. क्या? तो अगर आपकी उम्र के हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम एज. अगर जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो आप ही की उम्र का है तो आप उसको बोलिए चेस्ट. अगर वो आपसे उम्र में बड़ा है, आपसे उम्र दराज है, आपका प्रोफेसर है, तो आप क्या बोलेंगे उसे? आप बोलेंगे जिन दोपरे, जिन ज में छोटी ई की मात्रा, जिन जिन दोपरे, दो ब रे, जिन दोपरे मतलब गुड डे या फिर डे गुड. जिन मतलब दिन, दिन हिंदी वाला दिन, दोपरे मतलब अच्छा, दिन अच्छा, दिन अच्छा, दिन अच्छा, जिन दोपरे. तो आप बोलेंगे जिन दोपरे, ठीक है. फिर कब तक बोलेंगे आप? शाम को, जब तक रोशनी है इस दुनिया में, मतलब शाम के वक्त तक, तब तक आप जिन दोपरे बोलिए. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइट. और जब रोशनी ख़त्म हो जाती है इस दुनिया से, मतलब जब रात हो जाती है, तब आप बोलिए दोपरे वियछोर. दोपरे मतलब अच्छा और वियछोर शाम, अच्छी शाम, अच्छी शाम, अच्छा दिन. बहुत सिंपल लोग हैं, बड़ा प्यार करते हैं. अरे क्या अच्छी शाम है भाई, जिन दोपरे. अरे क्या अच्छा दिन है, दोपरे वियछोर. तो ये हो गया आपका काम. इसको मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ डार्क, ताकि आप समझ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. ये हो गया डार्क, मतलब अंधेरे के समय पे. और ये हो गया दोपरे, दो ब्रे, दोपरे वी ए वी ए छो छ वी ए छोर, दोपरे वे छोर, दोपरे वे छोर, ठीक है. दोपरे वे छोर शाम को, जिन दोपरे सुबह. और चेस्ट आपके साथ की उम्र वाले, चेस्ट चेस्ट. अच्छा, चेस्ट को आप बिना इस च के भी बोल सकते हैं अगर बोलना चाहें तो. चेस्ट चेस्ट जनरली नहीं बोलते चेस्ट करके, लेकिन कायदे से चेस्ट होना चाहिए क्योंकि लिखते वो हैं, क्योंकि ये चेस्ट तो यहाँ तक आ गया, फिर ये जो च है चेस्ट चेस्ट होना चाहिए, कहीं चेस्ट. अच्छा, ये हेलो को भी चेस्ट बोल देते हैं और बाय को भी चेस्ट बोल देते हैं, ठीक है. तो आप अपने साथ वाली उम्र से मिलने, साथ वाली उम्र व्यक्ति से मिलेंगे तो उसे बोलिए चेस्ट चेस्ट. बहुत सिंपल, हेलो के लिए चेस्ट, बाय के लिए चेस्ट, चेस्ट चेस्ट गुड बाय, ठीक है. लेकिन आपसे अगर व्यक्ति जो है उम्र दराज है, आपसे उम्र में बड़ा है, आपका प्रोफेसर है, तो आप गुड बाय के लिए उसको बोल दिए दो विद जेनिया. दो मतलब टिल, विद जेनिया नेक्स्ट टाइम, ठीक है. दो विद जेनिया नेक्स्ट टाइम, दो विद जेनिया. इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दो, माने दो हिंदी वाले दो वी द जे, दो विद जे नी या द विद जेनिया, ठीक है. तो यदि आपका कोई दोस्त है तो चेश ला ब्ला 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 चेश. और यदि आपके प्रोफेसर हैं तो जिन दोपरे, अगर रोशनी है तो, और अगर अंधेरा है तो दोपरे वेच और सिंपल. और ब्ला 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 आपने बातचीत कर ली, उसके बाद में तो विद जेनिया सिंपल. बहुत आसान है, बहुत ईजी है. आगे बढ़ते हैं. ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने बात करी मिलने की, ठीक है. मिलने के बाद में क्या कहना है? तो यदि वो आपके दोस्त हैं, आपके साथ की उम्र वाले हैं, तो उनके लिए आप पूछिए याक शे माश. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हो गया ये याक, मुझे याक नहीं होता जानवर ऊपर बाइसन फैमिली का या गाय फैमिली का, मैं श्योर भी नहीं हूँ, उसके बारे में सोचते हुए आपको लिख देना है याक शे माश, याक शे माश, याक्ष माश,
याक शे माश, याक मतलब कैसे, शे ग्रामर का है तो इसको इग्नोर करते हैं, माश मतलब यू, आप कैसे हैं, कैसे हैं या फिर कैसे हैं, ठीक है, याक शे माश। तो इसका आंसर क्या होता है, एक तो आंसर होता है यार वो ये कुछ नया नहीं है, वो ये घिसे पिटा जीवन चला आ रहा है, कुछ नया नहीं है। तो कुछ नया नहीं है वाली बात को ये लोग बोलते हैं नीत्स नोवेको, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीत्स नीत्स नवेगो, नवे ग में ओ की मात्रा गो, क्या तो यक्षमास नीत्स नवेगो, कुछ नया नहीं है तेरे को पता ही है सब कैसा है। और अगर आप कहना चाहेंगे तेरे को पता ही है सब कैसा है तो क्या कहेंगे आप, आप कहेंगे पोस तारे मु, यार सब पुराना वही घिसा पिटा पुराना पुराना वाला है ना। तो ये हो गया कुछ नया नहीं है नीत्स नवेगो, और सब वही घिसा पिटा पुराना है तो उसके लिए पो स्तारे मु, पो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, पो पो में ओ की मात्रा, स्ता रे मा में ऊ की मात्रा, मु पो स्तारे मु मतलब यक्षमाश पो स्तारे मु, और भाई कैसा है वही सब पुराना घिसा पिटा चला आ रहा है तुमको मालूम भी है, ठीक है। तो ये हो गया, अब यदि वो आपके प्रोफेसर बन जाते हैं तो उनसे आप यक्षमाश मन बोलिएगा, ठीक है। आप कभी भी वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिए, तो आपके प्रोफेसर से आपको अगर बात करनी है तो थोड़ा फॉर्मल वर्जन होता है सो ओ छेपिए, सो ओ छेपिए, सो ओ छे छ में ए की मात्रा, ब में छोटी ई और ए, सो ओ छेपिए, सो ओ छेपिए, ठीक है। तो आप इसके लिए बोलिए शिष्ट को दोपश, शिष्ट को दोपश, इसको पोलिश में मैं नहीं लिखता, इसको लिख देते हैं शिष्ट को दोपश, शिष्ट को दोपश, दो ब जे। और ये बोलने के बाद आप इनसे पूछिए आ ऊ छे बी, आ ऊ छे बी, ठीक है। और हिंदी में ये हो गया आ ऊ छे बी ए, ठीक है, आ ऊ छे बी, सो शे उच, सो उच है भी है, शिष्को दोपश है, आ उच है भी है, आते हैं शिष्को दोपश, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। ये आपकी हो गई ग्रीटिंग्स और पहली मुलाकात में क्या सवाल पूछना, और फिर आप अंग्रेजी में स्विच कर लीजिए। तो अंग्रेजी में स्विच करने के लिए आप क्या बोलेंगे, चे मोशे में मूविट्स पो अंगेल्स को, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया चे मोशे में मूविट्स पो अंगेल्स को, तो ये ऐसा हो गया, इसका मतलब होता है चे मोजे में मो, मैं वापस च को ज लिख देता हूँ हमेशा, मोजे में चे मोजे में मोविच मो वो में छोटी च मोविच पो, तो चे मतलब क्या, मोजे में हम, मोविच बोले पो इन अंग्रेजी, क्या हम बोले इन अंग्रेजी, या क्या हम बोले मैं अंग्रेजी, या अंग्रेजी में को ये पहले मैं लिखते हैं, ठीक है। तो चे मुझे मैं मोविच पो अंगेल्स्कु, अंग अंग भड़का वाला अंग, फिर ग में ही लगा देते हैं अंगी एल स्कु, बड़ा क्यूट सा शब्द है अंगेल्स्कु, ठीक है। चे मुझे मैं मोविच पोंगेल्स को, अंगेल्स को, ठीक है, चे मुझे मैं मोविच पोंगेल्स को। तो इसका जवाब आपको दो मिलेंगे, एक तो अंग्रेजी में ही मिल जाएगा कि हाँ या ना, है ना, यस वी कैन, नो वी कैन, जो भी। तो ताक हो जाता है ऐसे, ताक इसका मतलब होता है हाँ, ठीक है, ताक का मतलब होता है हाँ, यस, निये न में ई ए, निये मतलब नो नहीं, निये और निये रोजुमियम, नियर उज्जी में आप बोलेंगे, मान लो आपने किसी से पूछा चे मुझे मैं वो कुछ मंगेल्स को, तो बोले ताक ताक उसी बीच चे वो उछे में मंगेल्स को किल का लाच और सम, ठीक है। तो सब कुछ लंबा सा अगर बोल दिया सामने वाले ने तो फिर आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे निये रुजू में मैं नहीं समझा, ठीक है, नी ए नी ए, ये जो रोजा वाला होता है तो ऐसे रोजू रोजू मी एम रोजू रोजू, रो में दो लगा देते हैं रोजू, ठीक है, रोजू में हमने रोजू रोजू, ठीक है, रोजू में,
не розумем, не розумем. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ताक निये निये रोजुमेम, हाँ नहीं मैं नहीं समझा. ठीक है, फिर इसके बाद में आपका बेसिक कॉन्वर्जेशन हो जाएगा इंग्लिश में. अगर आप बात कर पाएँ तो बहुत अच्छा, और अगर आप नए हैं देश में और आपके पास कुछ स्पेसिफिक सवाल है तो उसके लिए दो ये ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं. एक तो बाथरूम या एयरपोर्ट या ट्राम स्टेशन या ट्रेन स्टेशन, कुछ भी ढूंढना हो तो आप पूछिए गजे. ठीक है, गजिए, गजे, गजे. ठीक है, गजे, गजे, वापस बोलिए, गजे, गजे, थोड़ा सा तेज है. ठीक है, गजे टॉयलेटा, टॉयलेट, गजे रेलवे स्टेशन, गजे एयरपोर्ट, ऐसे आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गजे. फिर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है इले. ठीक है, अब मान लीजिए आपको सड़क पे कुछ खरीदना है. ठीक है, फल फ्रूट चॉकलेट बार जो भी, वैसे चॉकलेट बार वाले इंग्लिश बोल लेते हैं. जैसे सड़क पे अगर कुछ खरीदना है, कोई मार्केट वार्केट लगा है, तो आप उनसे पूछिए कितने का है. तो कितने कैसे बोलते हैं, वो बोलते हैं अंग्रेजी में, पोलिश में, इले, इले. ये साउथ इंडिया वाला हो गया थोड़ा सा, ई ले. ठीक है, आप ऐसे बोलिए इले और इसे उंगली दिखाइए, इले इले तो, इले तो, और इसको लिख देते हैं तो मतलब ये ये ये, ये कितना, ये कितना, ये कितना. ठीक है, सामने वाला समझ जाएगा. अगेन बहुत बेसिक लेवल का है ये, लेकिन ज़रूरी है आपके लिए अगर आप नए हैं इस देश में. ठीक है, गजे कितने, गजे मतलब कहाँ, इले मतलब कितने. ठीक है, देखते रहिए चैनल को, मैं और कुछ वीडियोस बनाऊंगा आगे चल के. आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, और आपका दिन बहुत अच्छा हो.